फ्रेंड्स, दिस इज तानिया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो कुछ काइंड ऑफ एक डिसएडवांटेज था जो इवेंचुअली एक एडवांटेज में टर्न होने जा रहा, उस तरह की वीडियो है। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए वीडियो को टाइटल बताती हूँ। पावर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया कुड गेट UNSC सीट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट, बिकॉज इट विल बी द बी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। जो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके उनके चैनल को भी सपोर्ट करिए। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को देखने के बाद बात करेंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो फर्स्ट। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर, मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के एक ऑफिशियल ने दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया बहुत ही जल्द, एक्चुअली अगले साल ही 2023 में ऑफिशियली बन जाएगा द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना की आबादी तेजी से गिर रही है, ऐसा नहीं है कि हमारी आबादी बढ़ रही है रिकॉर्ड तोड़ रेट से, चाइना की आबादी सेंस गिर रही है। तो बाय डिफॉल्ट अगले साल हम लोग बन जाएंगे द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑन अर्थ। तो UN अब यहाँ पर यह डिस्कस कर रहा है कि क्या हम एक UN सिक्योरिटी काउंसिल रख सकते हैं जहां पर इंडिया जैसा देश जो दुनिया में इतनी बड़ी आबादी रखता है वो एक परमानेंट मेंबर ना हो। ये क्वेश्चन अब जेन्युइनली UN में रेज किया जा रहा है। और मैं यहां पर यह कहूंगा कि भारत का जो कैंपेन है UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का, इसकी अब ये मेन टैगलाइन होनी चाहिए कि क्या दुनिया के सबसे बड़े देश को, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े देश को, क्या आप UN सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर रखना चाहोगे। तो ये अपने आप पे मैं कहूंगा गोल्डन चांस है। जो हमारी मैसिव पॉपुलेशन है उसके कई एडवांटेजेस हमको इन द पास्ट मिल चुके हैं, मगर ये मैं कहूंगा अब तक का शायद जियोपॉलिटिकली सबसे बड़ा एडवांटेज होगा हमारी मैसिव पॉपुलेशन का। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। योगी आदित्यनाथ जी ने इस टॉपिक के बारे में क्या कहा है ये भी हम जानेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में 11 जुलाई को हमने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 का। आपको बताना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 का जो थीम था वो क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग ही समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो अगले साल 2023 में आप देखोगे जो ऑफिशियल डेटा है UN का दुनिया भर का, वहां पे एक अपडेशन होगी। अपडेशन यहां पर ये होगी कि इंडिया की आबादी हो जाएगी 1.426 बिलियन और चाइना की होगी 1.412 बिलियन। यहाँ पे मिलियन लिखा है, आप ये भी कह सकते हो कि 1,412 मिलियन, मगर बिलियन कहना इजी रहेगा क्योंकि बिलियन से आप कंपेयर कर पाओगे बेसिकली इंडिया की आबादी इवन चाइना की आबादी कितनी बड़ी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम इतिहास में देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो एक बहुत बड़ा एक ग्रोथ हमको देखने को मिली है ये 1800s में हुई है, जब इंडस्ट्रियल लेवल पर फार्मिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद से हमने देखा है कि जैसे जैसे हेल्थ केयर इंप्रूव हुई, डॉक्टर्स आए, दवाइयां आई, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये भी धीरे धीरे बढ़ी है। एक टाइम पर जहां पर बच्चे बहुत ही यंग एज में मर जाते थे वहां पर भी हमने देखा है मैसिव चेंज आया है। तो इस सब की वजह से पिछले 200 सालों में आप अगर देखो तो पॉपुलेशन में एक मैसिव जंप आया है। नहीं तो उससे पहले आप नोटिस करोगे कई सदियां बीत गई, हमारे पूरे प्लैनेट की पॉपुलेशन 1 बिलियन छोड़ो 500 मिलियन के आसपास भी नहीं थी। अचानक से फिर आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल 1804 और दुनिया की आबादी टच कर जाती है 1 बिलियन को। उसके बाद तो देखिए 2, 3, 4 मतलब ऑलमोस्ट हर एक दशक में हमने देखा है कि एक बड़ा जंप देखने को मिला है। और अब 2022 में दुनिया की आबादी पहुंच चुकी है 8 बिलियन तक, ये UN का डेटा है। नाउ यूनाइटेड नेशंस ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बताया है कि दुनिया की आबादी अभी भी ग्रो तो कर रही है मगर ओवरऑल ग्रोथ की स्पीड काफी हद तक कम हो चुकी है। और अब हम देख रहे हैं कि अब एक मैसिव चेंज आ रहा है कंट्रीज की पॉपुलेशन में। पहली बात तो 2022 में चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ऊपर थी, अगले ही साल ये चेंज हो जाएगा। और आगे इन्होंने यहां पर यह भी ऐड किया है कि चाइना की पॉपुलेशन गिरती रहेगी, 2050 की भी इन्होंने यहां पर प्रेडिक्शन करी है। इनके हिसाब से 2050 तक भारत की आबादी होगी 1.6 बिलियन और चाइना की आबादी होगी 1.3 बिलियन।
इंडिया में वैसे मैं आपको ये बता दूं, कई एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया की आबादी मोस्ट प्रोबली 1.6 बिलियन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है ये अब 2.1 के आसपास पहुंच गया है। तो मतलब अब हमारी आबादी लगभग इतनी रहेगी, 1.4 बिलियन के आसपास, इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस कम है, अनलेस हमारी किसी स्टेट में एक पॉपुलेशन का बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उसका हम कह नहीं सकते। बट अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं तो उसमें मोस्ट प्रॉबली इंडिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ने नहीं वाली। फिर दूसरा एक मैसिव चेंज आप यहाँ पर ये देखोगे कि आने वाले समय में नाइजीरिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ऊपर चली जाएगी। अभी मैं आपको ये बता दूँ, आबादी के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। मैं कई बार सोचता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों देश अगर इकट्ठा होते ना, हम लोग चाइना को बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। आबादी यहाँ पर बहुत बड़ी होती, जो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी वॉर में, पार्टीशन में, वो डिस्ट्रॉय ना होती। मैं यही कहूंगा, द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज द बिगेस्ट ट्रेजेडी फॉर दिस रीजन। तो पाकिस्तान वैसे 2050 में भी पांचवा सबसे बड़ा देश रहेगा आबादी के हिसाब से, मगर नाइजीरिया पहुंच जाएगा फोर्थ स्पॉट पर। इंडोनेशिया दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री नहीं रहेगा। तो इंडिया के लिए यहाँ पे एडवांटेज की बात यह है कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है देश का, ये अभी 2.1 के आसपास है। फर्टिलिटी रेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ इन द पास्ट, के मतलब के एक फीमेल ऑन एन एवरेज, अगर हम कैलकुलेशन करें ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो 2.1 का जब फर्टिलिटी रेट रहता है एक देश का, तो उसका मतलब यह है कि इस देश की आबादी गिरने नहीं वाली। चाइना का फर्टिलिटी रेट क्या है, 1.70। जब किसी कंट्री का फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास पहुंच जाए, 2.1 से जैसे ही कम हो जाएगा, आप देखोगे धीरे धीरे वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन आएगा। चाइना और यूएस दोनों जगह आप देखोगे तो इनका फर्टिलिटी रेट 1.70 आपको मिलेगा। साउथ कोरिया का तो एक्चुअली बहुत बहुत ज़रा खराब है, साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट है 0.92, मतलब कि साउथ कोरिया में कई महिलाएं हैं वो बिल्कुल ही बच्चे पैदा नहीं कर रही। तो अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, ये तो अब रास्ता साफ है, हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट अ परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में सीरियसली कोई लेगा नहीं जब तक यहाँ पे आप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को ऐड नहीं करोगे, जो अपने आप में एक ह्यूज इकोनॉमी भी है। नाउ एक तरफ आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है, मगर इंडिया में ही कई जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो कह रहे हैं कि हमें खुशियां नहीं मनानी चाहिए कि जो हमने यहां पर कर दिया है, चाइना से हम आगे निकल गए आबादी के मामले में। नीड है कि हम थोड़ा सा अब बैलेंस लेके आए आबादी के मामले। अब कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इसके विरोध में कह रहे हैं कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट अब 2.1 पे पहुंच गया, तो कुछ चीफ मिनिस्टर्स ये क्यों कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की आवश्यकता है। देखो रीजन ये है कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट तो कंट्रोल में आ गया, मगर कई जो हमारी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिहार आप अगर देखो तो बिहार का फर्टिलिटी रेट अभी भी 2.90 के आसपास है। अगर हम लेटेस्ट डेटा को कैलकुलेट करें तो बिहार अभी भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी आप अगर देखोगे तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट आपको मिलेगा 2.2 से भी ऊपर का। तो यूपी की पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन, ये जो स्टेट्स हैं इनकी पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा हमारे देश के सामने कि क्या हम स्टेट स्पेसिफिक पॉपुलेशन कंट्रोल लॉज लेकर आए, क्योंकि देखो हमारे देश में कई यूनियन टेरिटरीज हैं और स्टेट्स हैं, वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूरे इंडिया में चाइना की तरह हमको कोई टू चाइल्ड पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है, वन चाइल्ड पॉलिसी की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं वहां पर हो सकता है कि रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स कुछ एक्शन लें इन द नियर फ्यूचर। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के थीम क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 का। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। जी हाँ, 8 बिलियन की आबादी हो चुकी है दुनिया की, तो अ वर्ल्ड फॉर 8 बिलियन, ए डे टू सेलिब्रेट और एनालाइज, ये आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया यूएन ने। ये है थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022। तो यहां पर मैं आपसे ही पूछूंगा, हमारी आबादी, दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो गई, क्या इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर इसको एनालाइज करना चाहिए। इलॉन मस्क यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया की आबादी तो अभी और बढ़ाओ, दुनिया की आबादी बहुत कम है, दुनिया की आबादी अगर बढ़ेगी तो सिविलाइजेशन आगे ज़रा फ्लरिश करेगी, दुनिया की आबादी जितनी कम होगी उतना सिविलाइजेशन को लॉस होगा। तो लिखिएगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अन अकेडमी में जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्सेज हैं इनमें एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है अभी के लिए, ये डिस्काउंट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और 15 जुलाई को खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, पिंड कमेंट में आपको मिलेगा यहाँ पर ये लिंक, दो लिंक यहाँ पे होंगे, किसी भी लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे
अन अकेडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप इकट्ठा कर पाओगे। आप अगर ये कोर्सेस अलग अलग परचेज करोगे तो आपको आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये पे करने होंगे, तो कॉम्बो में यहाँ पे आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल सेविंग आपकी यहाँ पर इसलिए होगी क्योंकि 15% का डिस्काउंट चल रहा है। उसके अलावा भी आपको 10% का यहाँ पे ऑफ और मिलता है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको पड़ेगा सिर्फ 2,749 रुपीज़ पर मंथ का, और इसमें प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों ही कवर होते हैं। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, तो यू कैन बाय द 36-month कोर्स, इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म, और वीडियो में हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की बढ़ गई है, और साथ साथ में जो इंडिया भी है वो भी दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। तो देखिए कोई भी चीज़ के ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, तो देर आर वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और विच वी फेस्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, बट या देर आर सर्टेन एडवांटेजेस टू दैट। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज विच वी कैन लाइक हैव इफ वी गेट द परमानेंट सीट ऑफ UNSC इन कमिंग ईयर्स, देन वी कैन से दैट ओके दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज दैट वी कैन हैव ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन और बिकमिंग अ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स सी वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, देखते हैं क्या होता है। अगर बन गए तो बहुत या एक लॉजिकल बात है ना कि अगर आप UNSC क्यों बनी थी कि सारी एक लॉ एंड ऑर्डर, एक सिक्योरिटी मेंटेन करेगी, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करेगी, तो जिसमें 5 P's उनकी पॉपुलेशन तो ऑलरेडी कम है। एशिया में तो पहले देखा जाए अगर एज ए कॉन्टिनेंट वाइज तो एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट फर्स्ट थिंग, उसमें से भी एक कंट्री है जो ज़्यादा पॉपुलेटेड, मतलब मान लो कि हमारी दुनिया की आबादी 8 बिलियन, हमारी आबादी 1 बिलियन के लग 1 बिलियन के लगभग लगभग 1 बिलियन से थोड़ी ऊपर, तो ऑलमोस्ट इतना तो हमारा है। अगर आप हमें ही नहीं, मतलब अगर हम ही नहीं वहाँ पे रहेंगे, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो ये तो मतलब बिल्कुल अनजस्टिस होगा। मतलब ये वो खुद ही अगर उनसे पूछा जाए तो इस चीज़ को लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते कि कैसे होगा ये चीज़। और दूसरी बात ये है कि जैसे क्या होता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो फर्टिलिटी रेट है, ये 2.1 पे आ चुकी, जैसे ये 2 पहुँचेगी ना, 2 से नीचे अपने आप ये डिक्लाइन होगा। पर ये है ना कि जैसा मैंने बताया कि इंडिया इज़ बताया क्या, मैं क्या बताऊँगी, अपन पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बीट रिलीजन, बीट फेस्टिवल, बीट फूड, बीट लैंग्वेज, तो फिर हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी डाइवर्स ही है। जो ओवर पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम है वो अभी कुछ ही स्टेट्स में है, नॉट इन एवरी स्टेट। ओके, आपने सर वो डेटा में देखा है कि कुछ जैसे कि यूपी, इवन बिहार, और कुछ कुछ चीज़ें में इवन मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इनकी जो पॉपुलेशन है ये 2.1 से ऊपर है। इनका जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन बोलिए, फर्टिलिटी रेट जो है ये इनका 2.1 से ऊपर, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा भी नियर फ्यूचर में। और बाकी तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और भी जो स्टेट्स थी उनका कम था। तो फिर यही बात, तो अगर हम एक सेंट्रलाइज्ड प्लान लाते हैं पॉपुलेशन का, तो फिर जिन स्टेट्स की या जिन रीजन की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट घट रही है उन पर तो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया के स्टेट्स डिफरेंट हैं, लोग डिफरेंट हैं, चैलेंजेस डिफरेंट हैं, तो मुझे लग रहा है कि रीजन वाइज अगर बिल लाना भी होगा तो रीजन वाइज बिल लाना चाहिए। यूपी में ही है, बिहार में ज़्यादा है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं आई डोंट नो, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, कि जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। दूसरी एक लिटरेसी वाला जो क्योंकि बिहार वगैरह यूपी में इलिटरेसी थोड़ी ज़्यादा है बाकी स्टेट से कंपेरिजन, दूसरी चीज़ वो होता है कि जहाँ का रीजन कैसा है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है। तो इंडिया और इंडिया में बोल रही हूँ, यूपी और बिहार का जो है पूरा इधर अच्छा रीजन है, अच्छी खेती होती है और ये शुरू से बहुत फर्टाइल रहा है, और शुरू से यहाँ पे पॉपुलेशन रहे हैं, यहाँ पे लोग शुरू से रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैबिटेट, तो यहाँ पे हमेशा से हैबिटेट रहा है, तो ये भी अच्छा रीजन है। यहाँ के क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ठंडा नहीं, बहुत एक्सट्रीम, मतलब एक जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं जैसे रशिया वगैरह के पार्ट की, वहाँ तो बहुत एक्सट्रीम ठंडा होता है, वहाँ फर्टिलिटी रेट अपने आप डाउन हो जाती है। तीसरी चीज़ जैसे जो साउथ कोरिया में हो रहा है, देखा था 0.92 फर्टिलिटी, वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि साउथ कोरिया को जो कैपिटलिस्ट सियोल, वहाँ पे तो घर खरीदना मतलब बहुत अमीर अमीर लोग ही घर खरीद सकते हैं, और बच्चे वगैरह पैदा करना तो उनके पास बहुत पैसा, जो ए क्लास फैमिली से बिलोंग करते वैसी चीज़ है कि मतलब
ऐसा यूपी बिहार इतना महंगा भी नहीं है अभी कंपेयर टू। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है ग्रेजुअली पर गवर्नमेंट को और अवेयरनेस के लिए, और वहाँ पे क्या है ना थोड़ा सा अभी वुमेन भी वाला भी सब्जेक्ट है कि वुमेन भी का भी पार्टिसिपेशन इतना वर्कफोर्स में नहीं है। दूसरी चीज़ की थोड़ी वुमेन एडुकेशन पे भी ध्यान देना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, पर डेफिनेटली हमें रीजन वाइड पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना है। लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड कि हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का या बीइंग वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का फ़ायदा मिल जाए और इंडिया को वो यूएनएससी वाली परमानेंट सीट मिल जाए। तो सब लोग कमेंट कर देना फिंगर क्रॉस वाला, वो इमोजी आता है ना फिंगर क्रॉस्ड, आई डोंट नो आता ही होगा, आता ही होगा यार, नहीं आता होगा तो कुछ सिमिलर कर देना। तो प्लीज़ कमेंट। और आज के इस वीडियो के लिए इतना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किस कोई आपके रिकमेंडेशन पे रिएक्ट करूँ तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।